बात कर लेंगे नेक्स्ट फीचर की। यहाँ पर आपको यूएसडी फॉक्स मिलते हैं, दैट मीन्स आपको रेगुलर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं मिलते हैं। यूएसडी फॉक की खास बात यह होती है कि जब आप हाईवेज पे जाते हैं, ऑफ रोड पे जाते हैं, तो आपको जो सस्पेंशन की क्वालिटी है, दैट मीन्स जो आपकी राइड की क्वालिटी है, काफी ज्यादा बेटर मिलती है एज कम्पेयर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो यहाँ पर यूएसडी फॉक्स यूज किए गए हैं होंडा CB200X में। यहाँ पर रेयर में आपका मोनोशॉक दिया गया है जो एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और जो भी आपकी रोड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेंगे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की। तो होंडा बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है और यहाँ पर होंडा की जो लो सेगमेंट की बाइक है, दैट मीन सीडी डॉन आपने देखी होगी, बहुत ही रिलायबल और बहुत ही ड्यूरेबल बाइक है। तो यहाँ पर क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको फ्रंट में जो इसका वाइजर है वो आपको मैट फिनिश और ग्लोसी फिनिश के साथ मिलता है, वहीं आपको प्लास्टिक और फाइबर का काम मिलता है जैसे कि आप देख रहे हैं, बट काफी अच्छी क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी आपको मिलने वाली है होंडा की तरफ से। अब हम बात कर लेंगे ओवरऑल स्विच क्वालिटीज की। तो यहाँ पर स्विचेस की क्वालिटी भी काफी अच्छी रखी गई है, दैट मीन्स जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर इंजन किल स्विच दिया गया है, वहीं आपको सेपरेट सेल्फ मिल जाता है बिकॉज ये टेक्नोलॉजी काफी ड्यूरेबल होती है। बिकॉज जो अभी करंट सेल्फ आ रहे हैं वहां पर आपको सिंगल की ऑपरेटर मिलता है, वहीं पर आपको किल स्विच प्लस सेल्फ मिल जाता है, बट यहां पर आपको सेपरेट देखने को मिलता है इंजन किल स्विच उसी के साथ साथ सेल्फ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको निसिन का ब्रेक देखने को मिलता है फ्रंट और रेयर में। मैं आपको दिखाता हूं, फ्रंट में आपको निसिन का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है विद सिंगल चैनल ABS बिकॉज रेयर में यहां पर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, ABS नहीं मिलता है। तो यहां पर आपको होंडा CB200X सिंगल चैनल ABS के साथ देखने को मिलती है। यहां पर आपको PGMI-FI टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ काफी अच्छा माइलेज प्रोवाइड करती है, बिकॉज माइलेज भी मैटर करता है हाईवे राइड्स पे। 200cc का इंजन है। स्टार्ट की बात कर ले, यहां पर आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलता है, आपको कोई भी किक नहीं मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि आपको बता दूं, यहां पर आपको एक ADV में 5-speed गियर बॉक्स मिलता है, आपको 6-speed नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहां पर एक ये ड्रॉबैक है होंडा 200X का, यहाँ पर अगर 6 गियर स्पीड होता तो काफी अच्छा होता, बट अब वो होंडा ने क्या सोच के यहाँ पे 5-speed गियर बॉक्स रखा है होंडा को पता है, बट यहाँ पर 6-speed गियर बॉक्स होना चाहिए था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जो इंजन है वो हॉर्नेट वाला ही है जो 2.0 है, सेम इंजन को रखा गया है, बट आपको जो इसका जो लुक एंड फील और जो कम्फर्ट है वो आपको एक ADV वाला मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक एडवेंचर बाइक है और कहीं ना कहीं इंस्पायर है KTM 250 ADV से, बिकॉज का जो लुक है वो सिमिलर मुझे उससे ही लग रहा है कि ये KTM ADV 250 से इंस्पायर्ड है इसका डिजाइन। फ्रेंड्स यहां पर आपको 167mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो ऑफ रोड के लिए काफी सफिशियंट है, बिकॉज ऑफ रोड में आपको काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है ग्राउंड क्लियरेंस, तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा रखा गया है इस बाइक में। अब हम बात कर लेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यार की टैंक कैपेसिटी क्या मिलती है, बिकॉज ये हाईवेज पे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आपको छोटा टैंक मिलता है, बट आपको होंडा CB200X में 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, दैट मीन्स आपको बार बार रिफिल कराने की जरूरत नहीं है। इस टैंक को और बड़ा किया जा सकता था, 15 लीटर तक कर सकते थे, बट यहां पर 12 लीटर का टैंक रखा गया है, तो काफी सफिशियंट है हाईवे राइड इवन ऑफ राइड के लिए भी, बिकॉज ऑफ राइड के लिए तो आप एक्स्ट्रा कैनल लेते ही हैं, बट 12 लीटर का टैंक इनफ होता है फॉर दी हाईवे एंड ऑफ रोड एज वेल। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है यार, बाइक आप जितनी मर्जी पावरफुल ले लो बट अगर कम्फर्टेबल नहीं है ना तो उस बाइक का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर मैंने इसको अभी टेस्ट राइड लिया था तो मुझे इसका कम्फर्ट काफी अच्छा लगा, बिकॉज यहां पर काफी एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशनिंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा थंब पूरा जा रहा है, वहीं पर जो आपका थाई सपोर्ट है वो काफी अच्छा है, काफी अच्छी थाई सपोर्ट मिल जाती है जिससे कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप एक इतनी बड़ी बाइक चला रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तो जो यहाँ पर जो इसका जो पोस्चर है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि इतनी हैवी बाइक है ये। इसके साथ बात कर लेंगे पिलियन राइडर की। तो पिलियन राइडर का भी यहाँ पर काफी अच्छी सीट हाइट रखी गई है,
बिकॉज एक बार बैठने के बाद मुझे नहीं लगता कि पिलियन राइडर को कभी अनकंफर्ट लगने वाला है। काफी वाइड सीट है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा पूरा हाथ आ गया है, तो इवन फीमेल भी काफी अच्छी इजीली बैठ पाएंगे और मेल तो काफी कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। बट यहाँ पर मुझे लगता है जो लेडीज फुटरेस्ट है वो आपको एसेसरी का पार्ट है वो वहां से इंस्टॉल कराना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर इसमें नहीं लगा हुआ तो डेफिनेटली वो इसके साथ नहीं आएगा, आपको अलग से पे करना पड़ेगा लेडीज फुटरेस्ट का। ओवरऑल बात कर ले इसके कर्व वेट की, तो यहाँ पर 147 केजी का कर्व वेट बताया जा रहा है, तो इनफ होता है एक यंग बंदा आराम से एनी सिचुएशन लाइक पंचर सिचुएशन में भी काफी उठा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा पैकेज है एक एडीवी सेगमेंट में, 200 सीसी सेगमेंट में, जैसे कि आप देख रहे हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लगी, बिकॉज यहाँ पर जो इसका लुक है वो काफी ज्यादा हल्क टाइप लग रहा है, बहुत ही बड़ी बाइक है यहाँ पर 200 सीसी इंजन के